इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल की उम्मीदें मजबूत कर ली हैं। टीम ने अपने तीसरे लीग मैच में श्रीलंका को बुरी तरह से हरा दिया। भारत ने यह मैच 82 रन से अपने नाम किया। बीते हफ्ते टीम अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से हारी थी। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को मात दी और अब श्रीलंका को भी हरा दिया है। इस बड़ी हार के बाद अब श्रीलंका की टीम वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो गई है। श्रीलंका इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली दूसरी टीम है। उनसे पहले स्कॉटलैंड की टीम ने बाहर का रास्ता देखा था। इस जीत के बाद टीम इंडिया ग्रुप ए में नंबर 2 पर आ गई है। यहाँ उनसे आगे बस ऑस्ट्रेलिया की टीम है। भारत के बाद ग्रुप में पाकिस्तान का नंबर है। भारतीय टीम और पाकिस्तान दोनों के बराबर पॉइंट्स हैं, लेकिन टीम इंडिया नेट रन रेट के दम पर आगे निकल गई। भारत का नेट रन रेट 0.58 का है। ये पाकिस्तान से 0.2 से ज्यादा है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान से एक मैच ज्यादा भी खेला है। भारत की इस जीत पर बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, T20 वर्ल्ड कप में हमारी लड़कियों की लगातार दूसरी जीत, हमारी अनुभवी खिलाड़ी हरमनप्रीत और मंधाना स्मृति ने मौके का फायदा उठाया। आज रात उन्हें बल्लेबाजी करते देखना खुशी की बात थी। टूर्नामेंट के फाइनल स्टेजेस में जाते हुए रेणुका सिंह का शानदार नियंत्रण और आशा शोभना की बेहतरीन लेग ब्रेक हमारी महिलाओं के लिए शानदार संकेत है। ग्रुप स्टेज में एक और जीत बाकी है। लेट्स गो गर्ल्स। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बना डाला। इन्होंने सिर्फ 3 विकेट खोकर 172 रन जोड़े। टीम के लिए शेफाली वर्मा और स्मृति मांधना की ओपनिंग जोड़ी ने कमाल की बैटिंग की। इन दोनों के बीच 98 रन की साझेदारी हुई। हालांकि ये दोनों ही लगातार गेंदों पर आउट हो गई। मांधना 38 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुई, जबकि शेफाली वर्मा ने 40 गेंदों पर 43 रन जोड़े। इनके आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत ने दम दिखाया। पाकिस्तान के खिलाफ गर्दन में लगी चोट से उबरी हरमन ने सिर्फ 27 गेंदों पर 52 रन बना दिए। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 10 गेंदों पर 16 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की शुरुआत ही खराब हो गई। उनकी टॉप 3 बैटर मिलकर कुल 4 रन ही जोड़ पाई। टॉप ऑर्डर फेल होने के बाद मिडिल ऑर्डर ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन ये जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी। श्रीलंका की पूरी टीम एक गेंद बाकी रहते 90 रन पर सिमट गई। भारत के लिए अरुंधति रेड्डी और आशा शोभना ने 3-3, जबकि रेणुका सिंह ने 2 विकेट्स निकाले। भारत का अगला मैच संडे 13 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। ये मैच शारजाह में खेला जाना है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।